नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद पर अपना व्याख्यान दे रही हूँ। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद के बाद आने वाला एक सुधार आंदोलन है। आप सभी जैसे हम पहले व्यवहारवाद पढ़ चुके हैं, तो व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का आंदोलन है और उसके बाद 1950 से लेकर 1970 तक व्यवहारवादी क्रांति का युग था और उसके पश्चात 70 के बाद उत्तर व्यवहारवाद अगले चरण के रूप में हमारे सम्मुख आता है। व्यवहारवाद को स्थापित करने वाले खुद डेविड स्टर्न 1969 में उन्होंने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषणों को सार्थकता नहीं दे सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, जिस क्रांति को लाने वाले स्वयं व्यवहारवादी डेविड स्टर्न हैं, उन्होंने ही व्यवहारवाद में कुछ कमियों को उजागर करते हुए एक नए दृष्टिकोण को वो लेके आए, जिसे उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद नाम दिया। तो उसके उदय के कारण में हम देखेंगे, तो पहला उदय का कारण है, यह एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया से यहाँ अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार से व्यवहारवाद हमारे सम्मुख आया, उसी प्रकार व्यवहारवाद के आने के पश्चात यह व्यवहारवाद के विपक्ष में या व्यवहारवाद ने जो भी अपने आस्पेक्ट्स रखे, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमें उत्तर व्यवहारवाद देखने को मिलता है। दूसरा उदय का कारण है, सामाजिक विज्ञान की अध्ययन की पद्धति को प्राकृतिक विज्ञान की तरह लागू करना खतरनाक है। सामाजिक विज्ञान में जो अध्ययन का विषय समाज होता है, व्यक्ति होता है, वहीं प्राकृतिक विज्ञान में वहीं अध्ययन का विषय अप्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ऐसे में उन्हें और इन्हें एक कर देना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। तीसरा है, व्यवहारवादी क्षेत्र में असंतोष का परिणाम है। फिर है, तकनीक से अधिक सार वस्तु को महत्व देता है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो तकनीक के बजाय कि आप अध्ययन के बाद क्या आस्पेक्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको ध्यान में देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है और मूल्य निरपेक्षता की सार्थकता को अस्वीकार करना। व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत में हमने ये देखा कि व्यवहारवादी अध्ययन में मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं और उस मूल्य निरपेक्षता को आप समाज विज्ञानों में अपनाएं, ये संभव नहीं है। फिर हम आएंगे उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं पर। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है, तकनीक से अधिक सार वस्तु का महत्व। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान में शोध की तकनीक की तुलना में सार वस्तु को अधिक उपयोगी माना जाना चाहिए। वे तकनीक से पहले तथ्यों को महत्व देते हैं, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विज्ञान में सब चीज़ें तथ्यों पर निर्भर होती हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाए तो उसमें सार वस्तु को महत्व दिया जाना चाहिए, जिसे हम रेलेवेंस कह सकते हैं, उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा है, सामाजिक परिरक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल। शोध सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए, इससे समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त होता है और व्यवहारवादियों की तरह समस्याओं के प्रति आंखें मूंद कर बैठ जाने से समस्याएं हल नहीं होंगी। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप किसी निर्णय पर या निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा है, राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष की खोज में व्यवहारवादी यथार्थ से पूरी तरह दूर हो चुके थे, जबकि राजनीति के प्रति सचेत नहीं थे। वास्तविक राजनीति की जो समस्याएं थी उनका निदान करने में वे सक्षम नहीं थे। फिर है, मूल्यों के महत्व को स्वीकारना।
व्यवहारवादियों ने जहां मूल्य निरपेक्षता की बात की है, वहीं उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि राजनीति को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यों को अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर है बुद्धिजीवियों का दायित्व। बुद्धिजीवियों की समाज के लिए कुछ भूमिकाएं हैं। बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों पर ही है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों को संरक्षण से अधिक प्रयत्नशील होना, उनके सम्मुख होना बुद्धिजीवियों का दायित्व है। तो जो भी बुद्धिजीवी हैं वे अध्ययन करें, अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष निकालें तो उस कार्य को वो संपन्न करें, तो उन्हें ये याद दिलाया है कि उन्हें किस प्रकार से अपने कार्यों को पूर्ण करना है। फिर है क्रियानिष्ठता। क्रियानिष्ठता का अभिप्राय ये है कि जो भी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वे कार्य करने पर जोर दें, समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा दें ताकि हम एक अच्छे सुदृढ़ समाज की तरफ आगे बढ़ सकें। फिर है सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता। उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं बल्कि राजनीति के प्रति प्रतिबंध करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी विषय का आप अध्ययन करें तो उस अध्ययन को करते समय वो अध्ययन आपका सुव्यवस्थित होना चाहिए, साथ ही वह जो है सभी को राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा उत्तर व्यवहारवाद का टॉपिक समाप्त हो गया है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की जो कमियां थी उसे उत्तर व्यवहारवाद ने दूर किया और अपने अध्ययन में कर्म और प्रासंगिकता को अधिक महत्व देते हुए उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक नए एस्पेक्ट्स को लेके आए जिसका नाम उत्तर व्यवहारवाद है। और उत्तर व्यवहारवाद 1970 के बाद व्यवहारवादियों की कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो उत्तर व्यवहारवाद से अभिप्राय अगर हम माने तो हम यही कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों की कमियों को दूर करने के लिए किया गया आंदोलन है और यह एक सुधार आंदोलन रहा, और जो कमियां व्यवहारवाद में थी उन्हें उत्तर व्यवहारवाद ने दूर किया। धन्यवाद।